आयरलैंड के खिलाफ खेले गए आखिरी वनडे में इंग्लैंड को भले ही हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन टीम के कप्तान इयन मॉर्गन ने इतिहास रच दिया है। जी हाँ, मॉर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले कप्तान का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने इस मामले में भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ दिया है। मॉर्गन ने इस मैच में 84 गेंदों पर 106 रन बनाए, जिसमें 15 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। हालांकि इंग्लैंड को इस मैच में 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने आयरलैंड के सामने 329 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे आयरलैंड ने एक गेंद शेष रहते 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। शत की पारी में लगाए गए 4 छक्कों के साथ मॉर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 328 छक्के पूरे कर लिए हैं। एक कप्तान के तौर पर मॉर्गन के 212 छक्के हैं और इसी के साथ वो धोनी से आगे निकल गए। धोनी ने बतौर कप्तान 211 छक्के लगाए हैं। धोनी ने इतने छक्के लगाने में 332 मैच लिए थे। वहीं मॉर्गन ने 163 मैचों में ये मुकाम हासिल किया। इस सूची में पॉन्टिंग तीसरे स्थान पर है। उसके बाद न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकलम हैं, जिन्होंने 170 छक्के लगाए हैं। वहीं पूरे करियर में छक्के लगाने के मामले में धोनी अभी भी मॉर्गन से आगे हैं। धोनी के नाम तीनों फॉर्मेट्स में 359 छक्के दर्ज हैं, जबकि मॉर्गन ने 328 छक्के जड़े। शायद ये भी है कि महेंद्र सिंह धोनी लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं, इस वजह से मॉर्गन धोनी का रिकॉर्ड भी तोड़ लें। लेकिन धोनी ने जिस तरीके से भारतीय टीम के लिए परफॉर्म किया है, वो वाकई में काबिल-ए-तारीफ है। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।